पूरे जबड़ी है इस तरह कट रहा है बट टच ले आओ भाई और यहाँ पर ओडिशा की ओर से काफी तगड़े खिलाड़ी का समावेश है उड़ीसा की ओर से, लेकिन यहाँ पर उसके प्रतिद्वंदी भी कम नहीं। ओडिशा एफसी के खिलाड़ी 14 नंबर के खिलाड़ी काफी तेजी से बॉल को आगे की ओर ले जाने के प्रयास करता हुआ। यहाँ पर 9 नंबर अपने साथी का समानांतर पास डी बॉक्स पर वहां उछाल दिया है, लेकिन वहां पर सही पास नहीं, पूर्वानुमान के तौर पर ये पास दिया गया था और अभी भी बिल्कुल डी बॉक्स पर सभी खिलाड़ी डिफेंस का अच्छा डिफेंडिंग और वॉल्यूम को क्लियर करने में सफल रहे। राजनगर एफसी की ओर से ए बाबू पीछे जाना थोड़ा सा, कॉर्नर किक मिलता हुआ ओडिशा के खिलाड़ी को, सेवन हिल ओडिशा, और गोलकीपर काफी सुंदर प्रयास करने की कोशिश करता हूँ, गिर पड़े और बोल जो अभी भी मैदान के बाहर। 2 नंबर किला डिफेंस लाइन के खिलाड़ी बैक पास होता हुआ एक दूसरे को अच्छा तालमेल बनाने की कोशिश में। 10 नंबर के खिलाड़ी यहाँ 7 नंबर को रेफर कर रहे, 7 नंबर के खिलाड़ी अपने पैर में बॉल को रखता हुआ और यहाँ पर बॉल जो है वो टच लाइन के बाहर चले गए है, निश्चित रूप से आउट थ्रो के लिए जाएंगे और आउट थ्रो करने का अवसर जो अभी मिला है ओडिशा को। 6 नंबर के लिए बॉल को रेफर कर दिया गया ओडिशा को, काफी अच्छा पुनः 14 नंबर और पूरा अभी 6 नंबर के लिए एक अवसर की करने के लिए, लेकिन अभी भी 14 नंबर के पैर में बॉल। हमारे बीच में अभी अभी मंचासीन हुए हैं राजेंद्र भगत जी और उनके सभी साथी अज्जल हमारे इस मंच पर, उन्हें हमारे इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और बीच मैदान में जो दोनों ही सशक्त टीम को देख रहे हैं ओडिशा सी वर्सेस, राजनगर एफसी के बीच और यहाँ पर लाल और सफेद पोशाक पर जो खिलाड़ी देख रहे हैं सेवन हिल ओडिशा और यहाँ पीले और सीमेंट कलर के जो जर्सी में हैं वो हैं राजनगर एफसी।
और यहाँ पर अच्छा खेल का प्रदर्शन हुआ करता हुआ दोनों दल, क्योंकि आप अगर यहाँ मैच में हार जाते हैं तो बिल्कुल निश्चित है कि आप इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। और यहाँ एक अच्छा पास देने की कोशिश है, काफी हेवी टच कहा जा सकता है इसको। और अभी राजनगर एफसी के पैर में वो राजनगर एफसी के खिलाड़ी तैयार करता हूँ अपने साथी खिलाड़ी को देने के लिए पीस के। और मैं दुर्योधन प्रमाणी जी और यहाँ पर राजनगर एफसी को 11 नंबर के खिलाड़ी काफी अच्छा खेल का प्रदर्शन करता हुआ और एक अच्छा किक यहाँ पर कहा जा सकता है, लेकिन दिशाहीन अगर ये पोस्ट में रहती तो बिल्कुल बहुत बड़ी चुनौती बन जाता गोलकीपर के लिए। इसी तरह का कोई खतरा नहीं, दोनों टीम बिल्कुल सुरक्षित समांतर पर सिफर पर चल रहे हैं, बराबरी पर, गोल स्कोर बिल्कुल 0-0 पर है। और 5 नंबर के खिलाड़ी आउट थ्रोइंग के दौरान अपने 14 नंबर के लिए बोल दिए हैं राजनगर एफसी की ओर से। और अभी भी 18 नंबर को बिल्कुल एक अच्छा किक लेने का प्रयास करता हूँ, काफी खराब शॉट, बिल्कुल क्रॉस बार से ऊपर से बॉल मैदान के बाहर निकल गई। दर्शक बंधु अभी जो हम लोग मैच देख रहे हैं ये सेकंड राउंड का अंतिम मैच है और इसके बाद निश्चित है कि थर्ड राउंड यानी कि क्वार्टर फाइनल का मैच। और यहाँ से जो टीम जीतती है वो निश्चित रूप से जो है चौथा पोजीशन में आ जाएगी और उनके बीच में मैच होगी। हालांकि धूप तो काफी है लेकिन खिलाड़ी में जोश भी काफी है और इसका असर जो है इस मैच पर कम देखने को मिल रही है। काफी अच्छा खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं खिलाड़ी, काफी ऊर्जावान दिख रहे हैं। यहाँ पर आउट थ्रोइंग करता हुआ अपने टीम के लिए सीधे 5 नंबर को रेफर कर दिया गया। 5 नंबर के खिलाड़ी बॉल को धीरे धीरे आगे की ओर देने की पर बाएं छोर से लिया गया, बाएं पैर से लिया गया शॉट, लेकिन गोल पोस्ट से बाहर और गोलकीपर गोल को आगे जाने दिया और मैदान के बाहर। बाबू जहाँ बोल मैदान को बाहर चला करना ना आप आगू यहाँ पे 14 नंबर के खिलाड़ी ओडिशा एफसी काफी हट्टे कट्टे खिलाड़ी हैं। और 11 नंबर के खिलाड़ी यहाँ पर राजनगर एफसी सुंदर किक लेकिन काफी गोलपोस्ट से बाहर और किसी तरह का कोई नुकसान नहीं। हालांकि कुछ समय से जो देखा जा रहा है बारंबार आक्रमण जो है राजनगर एफसी ओडिशा के घर पर जरूर कर रही है, लेकिन खराब शॉट अभी तक जो है टारगेट के बाहर होने के कारण किसी तरह का कोई नुकसान उठाना नहीं पड़ा है ओडिशा को। लेकिन ओडिशा के खिलाड़ी भी कम नहीं, इससे पहले जो उन्होंने खेल का प्रदर्शन किया था काफी अच्छा रहा और तगड़ा मैच खेल करके इस पोजीशन पर पहुंचे हैं। डिफेंस काफी कुल नजर आ रहे हैं और लंबी क्लियरेंस बिल्कुल डी बॉक्स पर पहुंचा दिए हैं गोलकीपर के लिए और गोलकीपर को कोई कठिनाई नहीं और अपने साथी खिलाड़ी के लिए बॉल को बढ़ा दिए हैं। कमेटेरियन कोड़ा जहाँ नाली मैंने आप नोड़े पे अवसर साई लाल मांडी सुकू मुर्मू सुनल मांडी आप उसरा साई नो कमेटर पे जो आप आड़ी मारा कमी रखा दरकार आप लोगों द्वारा नोड़े पे छोटो अच्छे ना हाइट पर पिछला संकार इसके बाद थर्ड राउंड में
पिच्छू हो गए, यानी कि आज का पहला सेमीफाइनल के लिए मैदान के बाहर तैयार होकर रहेंगे कॉर्नर आप है नारायण बड़ा एफसी कॉर्नर देते रहे जो मेजबान टीम भी है और आपके प्रतिद्वंदी टीम है आसमान एफसी। दोनों टीम मैनेजमेंट अपने खिलाड़ियों को मैदान के बाहर तैयार करके रखेंगे, जैसे ही खेल समाप्त होती है आप अपना मैच खेलने के लिए मैदान पर प्रवेश होंगे। इस चलती खेल के बाद नारायण बेड़ा एफसी वर्सेस आसमान एफसी और यहां पर ओडिशा के पैर में बॉल, ओडिशा के खिलाड़ी सुंदर पास देने के प्रयास में गलत पास और अभी भी है राजनगर एफसी के पैर में बॉल। राजनगर एफसी 6 नंबर के खिलाड़ी बॉल को अपने कंट्रोल में रखता हुआ वहां पर बेक पास 7 नंबर 6 और 7 के साथ तालमेल बनाने की कोशिश में काफी लंबी पास यहां पर बिल्कुल मदरेखा के बाहर बॉल निकल गई। बॉल को बिल्कुल डिफेंस के खिलाड़ी आसमान की ओर उछाल दिया है, वहां पर बॉल जो है बिल्कुल ड्रॉप होता हुआ और हेडर के जरिए अभी भी ओडिशा के पैर में बॉल। डिफेंस लाइन के खिलाड़ी काफी लंबे और तगड़े डिफेंडिंग का डिफेंस और पुनः जो है यहां पर 16 नंबर को दिया, यहां पर बिल्कुल डीप बॉक्स पर बॉल और एक अच्छा अवसर हो सकता था लेकिन वहां पर ब्लॉक होता हुआ और जो अवसर बन गए थे वो बिल्कुल खत्म होता हुआ। हेडर के जरिए बॉल को क्लियर करना चाहा लेकिन अभी भी राजनगर एफसी के लिए एक अवसर हो सकती है। यहां पर लंबी क्लियरेंस ओडिशा की ओर से राजनगर के पैर में बॉल, राजनगर के खिलाड़ी यहाँ पर बिल्कुल एक अवसर हो सकती थी लेकिन गोलकीपर की अच्छा गोलकीपिंग कहा जा सकता है और यहाँ पर बिल्कुल एक अवसर हो सकती थी लेकिन गोलकीपर की अच्छा गोलकीपिंग कहा जा सकता है और यहाँ पर निश्चित रूप से एक कॉर्नर का अवसर होता हुआ। और इसके बाद वाली मैच के लिए भी मैदान के बाहर तैयार रहेंगे आप हैं नारायण बेड़ा एफसी वर्सेस आसमान एफसी और इसे चलती खेल में किसी तरह का कोई गोल स्कोर नहीं, दोनों टीम बिल्कुल बराबरी पर चल रहे हैं। सेकंड हाफ का मैच चलता हुआ यहां पर राजनगर एफसी की ओर से और एक अच्छा अवसर बिल्कुल हो सकती है और देखते देखते राजनगर एफसी की ओर से और एक अच्छा अवसर बिल्कुल हो सकती है और देखते देखते राजनगर एफसी की ओर से ये बिल्कुल सुंदर स्कोर करता हुआ। आज वो खिलाड़ी गोल स्कोर किए हैं हाथ उठा के जर्सी नंबर दिखा देंगे 11 नंबर के खिलाड़ी जो अपना पहला मैच में भी स्कोर किए थे अपने टीम के लिए और यहां पर भी अपने टीम के लिए अच्छा स्कोर करता विशाल मातो जो टीम के कप्तान भी है और अपने टीम के लिए अच्छा कप्तानी प्रदर्शन करता हुआ यहां पर एक लौटा गोल अभी तक जो देखने को मिले वो विशाल के पैरों से। मैं बाकी आपको देखा हाल सुनाने के लिए हमारे मंच पर हमारे एक साथी कमेंटेटर मिस्टर राजेश जी हैं, उनको ये माइक्रोफोन चले। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई प्रधान जी जो कि मैदानी आंखों देखा हाल आप दर्शक बंधु तक पहुंचा रहे थे मधुरवाणी से। तो उधर लेगा से अभी जो पीछे मैदान पर जो आप खेल देख रहे हैं घमासान देख रहे हैं मुकाबला देख रहे हैं ये है सेवन हिल ओडिशा बनाम राजनगर एफसी के बीच जो कि राजनगर एफसी 1-0 की बढ़त ले चुका है। ओडिशा अपने
मध्य रेखा का रिद काफी तेज रफ्तार के साथ 11 नंबर खिलाड़ी गेंद को बढ़ाते हुए अपने साथी को बंटवारा वहां पर राइट छोर पर मुकाबला बना मूव बनाने की कोशिश कर रहा है 14 नंबर लंबे चौकट के खिलाड़ी ओवर चार्ज भी लेना पसंद किया था लेकिन दिशा है चार्ज गेंद में काफी उछाल नतीजा टच लाइन से बाहर गेंद वहां पर डिफेंडर की राजनगर एफसी की ओर से और ये राजनगर की ओर से लंबी डिफेंडर की हेडर के जरिए गेंद को रिटर्न किया गया ओडिशा के 10 नंबर अपने साथी प्लेयर 7 नंबर के लिए वहां पर अच्छी पास 16 नंबर के लिए मौका बन सकता था एक अवसर था वहां पर लेकिन गोलकीपर खुद निकलकर बाहर निकल आए और उसको विफल करते हुए कोई क्षति नहीं कोई खतरा नहीं अपने टीमों के लिए सुरक्षित अभी भी 1-0 के साथ और फिर से लेकिन शाहिन शॉट नतीजा आउट लाइन से बाहर गेम अगर बात की जाए विशाल महतो की क्योंकि प्रथम चक्र में भी 1-0 का स्कोर बनाए थे और द्वितीय चक्र में भी अभी 1-0 बना चुके हैं देखने वाली बात है आने वाले समय में और 1-0 बनाते हैं तो काफी अच्छे मैचेस उनके लिए आज के टूर्नामेंट में बने रहेंगे और उन पर राजनगर 6 नंबर के लिए वहां पर राइट साइड पर काफी रफ्तार के साथ गेंद अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढने का प्रयास और सफल भी हुए वहां पर 8 नंबर के लिए गेंद डाला गया जमीनी पास समांतर पास अभी भी गेंद राजनगर के पक्ष में देखने वाली बात हुई साथी खिलाड़ी को देते हैं या सीधे नेट में तब्दील करने की कोशिश लेकिन नाकामयाब वहां पर उड़ीसा फिर से अपने साथी के लिए लेफ्ट छोर पर 16 नंबर के लिए अपने साथी 11 नंबर राइट छोर पर गेंद को फॉरवर्ड कर दिए हैं ऊपर फिर राजनगर अपने साथी के लिए 1 नंबर लेफ्ट छोर से फॉरवर्ड खिलाड़ी को वहां पर गेंद दिया गया है देखने वाली बात होगी 11 नंबर अच्छी स्किल वहां पर के द्वारा गेंद पास दिए हैं 6 नंबर वहां पर मौका बनाना चाह रहे हैं और वह पावर किक लेना पसंद कर रहे थे किसी कारण बस गेंद में वो उछल ज्यादा और गेंद आउट लाइन से बाहर डिफेंडर किक वहां पर ओडिशा अपने साथी को वहां पर दाहिने छोर पर खिलाड़ियों को ढूंढने के प्रयास कर रहे हैं लेकिन नाकामयाब वहां पर राजनगर फिर से एक बार अपने साथी प्लेयर्स को धीमे धीमे कदम के जी 7 समांतर पास के जरिए बंटवारा करते हुए 6 नंबर को फिर और यहां पर गेंद पर उछाल भर दिए कोई सफल नहीं और फिर से एक बार ओडिशा जो कि 1-0 से पिछड़ रहे हैं द्वितीय चक्र का ये खेल और वहां पर 7 नंबर अपने साथी के लिए वहां पर धकेल दिया था लेकिन सही तरह से कलेक्ट नहीं कर पाए गेंद नतीजा आउट लाइन से बाहर होता हुआ कॉर्नर लाइन तो चलिए नारायण मेरा एफसी